अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर चोरी कर पर आ रही है तो मेरे पास एक प्लान है। इस धागे की वजह से रोही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फाइनली मैं अपना पूरा फोकस नहार पे कर सकती हूँ। अब नहार ये लो ना, थोड़ा सा और लो, देखो ना तुम कितने कमजोर हो गए। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ले लूंगा। ओके। दादी एक सेकंड दादी, बस 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 पानी पीजिए। समर टिश्यू ये लीजिए दादी। थोड़ा पानी पीजिए। माँ खून, हे भगवान। माँ जी आप ठीक है? नहार छोटी माँ, पहले माँ जी की नाक से खून निकल रहा था बेटा, अभी मुंह से खून निकल रहा है। तो बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। दादी दादी आपको गले में तो तकलीफ नहीं है ना, या कहीं और तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं बेटा, कोई और तकलीफ नहीं है। दिखाई दादी, मैं आपका फुल बॉडी चेकअप करवाने वाला हूँ, ठीक है? और आप मुझे नहीं मना करेंगे? ओके जी डॉक्टर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जुही की फोन करिए, पता नहीं सब सब ठीक है कि नहीं, इसके दादू को तो कुछ नहीं हो गया। हेलो, हाँ जुही। हाय समर, सॉरी ऐसे अचानक से फोन किया, लेकिन क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? मेरे घर क्या सब ठीक है? अब हाँ, वो मुझे ना रूही की बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर ना उसका सामान देख लेती, कि चीजें देख लेती ना तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल जाती, प्लीज। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ, आती हूँ। हाँ ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ये समर अभी दरवाजा क्यों खोल रहा है? डॉक्टर आ गया क्या इतनी जल्दी? जूही अब तो इस लड़की की हमारे घर आने की कोई वजह भी नहीं है, फिर क्यों आई है? जूही तुम? माँ वो जूही को ना रूही भाभी की बहुत याद आ रही थी, तो वो उनका सामान देखना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई है। रूही का सामान तो मैंने रूम में रखा था, मुझे पता है छोटी माँ, मैंने उसका सामान वापस अपने कमरे में रख दिया। जूही तुम मेरे कमरे में जाकर देख सकती हो। जीजू क्या मैं रूही के सामान के साथ थोड़ी देर अकेले रह सकती हूँ? ठीक है, थैंक यू जीजू। रूही का सामान तो मैंने कबाड़ी वाले को दे दिया था, फिर वो स्टोर रूम में कैसे आए? और नहार सामान अपने कमरे में क्यों ले गया? रूही का सामान वापस आ गया? हे भगवान, कहीं रूही का भूत रूही का सामान तो नहीं लाया? और ये जूही अचानक रूही का सामान क्यों देखने आई है? रूही 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 जूही, रूही सबसे पहले तू खाना खा ले। हाँ मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, चल आजा खा ले जल्दी से।
तुझे पता है आज दादी ने गट्टे की सब्जी बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? ये देख। जल्दी से खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? ले। नहीं रोही, मेरा पेट भरा है, पहले तू खा। ले। तो जल्दी से खा ले, फिर तेरे पैर पे दवाई भी लगानी है ना मुझे। तुझे ना अपना ख्याल रखना होगा, मेरे दुश्मनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। तुम रूही से बात कर रही थी ना? कहाँ है वो? बताओ, वो जिंदा है ना? बताओ कहाँ है रूही, कहाँ है? मैंने सुना है तुम रूही से बात कर रही थी। रूही, 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 जूही बताओ मुझे, रूही कहाँ है? रूही, 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 तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी अग्नि। अग्नि, ये जूही ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? जूही, ये नाटक बंद करो, समझी? मैं जूही नहीं, रूही हूँ। मैं जूही की सजा में हूँ अग्नि। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अग्नि। अग्नि, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने मुझे क्यों मारा। रूही, दूर हटो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई धागा, कोई सूत का मेला कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अग्नि। तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दूर हटो तुम बच्चन, दूर हटो। ठीक दादी, डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया चेकअप। प्लीज उससे पहले कुछ टेस्ट भी करने, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? चल। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ नाहन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या अग्नि को क्या हुआ? रोज ऐसे ही चिल्लाती है, चलिए देखकर आते हैं अब क्या हुआ। आराम से बच्चे, बताओ तुमने मुझे क्यों मारा? अग्नि, अग्नि क्या हुआ? क्या हुआ अग्नि? प्लीज मुझे बचा लो। अग्नि हुआ क्या? मैंने रूही को यहाँ देखा था ना। अग्नि कहाँ है रूही? यहाँ अग्नि, यहाँ सिर्फ जूही है। पता नहीं चीजू अग्नि को क्या हुआ है। मैं तो यहाँ रूही की तस्वीर लेके बैठी हुई थी, अचानक से आई और यहाँ बोलने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बाहर जाने दो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि को क्या हुआ। अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं ना, नहीं ये भी। अग्नि बेटा, मेरी मानो तो तुम माँ जी के साथ साथ अपना इलाज भी करवा लो। मुझे लगता है रूही के मरने का कुछ ज्यादा ही सदमा तुम्हें लग गया है,
तभी तुम्हें हर जगह बस रूही दिखाई दे रही है। नहीं आंटी, वो ये अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। जूही ये पक्का आदमी होगी, जैसे हमने कल उसको डराया था हमें वैसे ही मिलकर उसको डराना होगा। ये सब क्या हो रहा है? रूही के अंदर जूही की आत्मा थी या कुछ और बात है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। क्या सच में मुझे डॉक्टर की जरूरत है? मुझे वापस उस बाबा से बात करनी पड़ेगी। जूही, थैंक यू जूही, आज तेरी वजह से मैं अग्नि को डरा पाई, वरना मुझे लगा था कि मैं अपने पैर की चोट की वजह से अग्नि को नहीं डरा पाऊंगी। कोई बात नहीं रूही, लेकिन हमें ना इस खेल को और ज्यादा डरावना करना होगा, क्योंकि अग्नि डर तो रही है लेकिन इतना नहीं कि वो अपने मुंह से अपनी सच्चाई बोले, समझ रही है? तो इसी बात की तो टेंशन है जूही, मैं तो बस इसी उम्मीद में हूँ कि अग्नि की झूठ की दीवार कभी ना कभी हमारे डर के हथौड़े से जरूर टूटेगी और वो टूटकर अपने मुंह से सच कबूल करेगी। बाबा, इन धागों का आत्मा पर कोई असर नहीं हो रहा है बाबा, वो अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है बाबा, वो मेरी जान ले लेगी बाबा, मुझे बचा लीजिए बाबा, प्लीज बाबा कुछ तो कीजिए। रानी, वो आत्मा बहुत ताकतवर है, तुमसे उसका इलाज नहीं होगा, हमें खुद तुम्हारे घर पर आकर उस आत्मा को कैद करना पड़ेगा। लेकिन बाबा, मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकती बाबा, मेरे घर वाले इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते, वो तो मुझे ही पागल समझेंगे ना। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस कुछ सामान का इंतजाम करो, आज हम उस आत्मा को कैद कर रहेंगे। ये लीजिए माजी, डॉक्टर ने आपको सिर्फ ठंडी तासीर की चीजें खाने के लिए कही, इसलिए मैंने आपके लिए स्मूदी बनाया है, पीजिए और कल आपका रिपोर्ट भी आ जाएगा। आइए ना, मैं आपको अपने परिवार से मिलाती हूँ, आइए। मामी, बेटा ये कौन है? अब दादी, ये मेरे गुरुजी हैं। अरे दादी, ये बहुत जाने माने विद्वान पंडित है। आपको पता है जब मैं लंदन में पढ़ाई कर रही थी ना, तब मैं एक बहुत बुरे फेस से गुजर रही थी, तब इन्होंने ही पूजा पाठ करके मुझे उस फेस से निकाला था। गुरुजी इंडिया आए थे तो मैंने उनको यहाँ बुला लिया। आंटी, क्या गुरुजी हमारे साथ 2-3 दिन रह सकते हैं? अग्नि, बेटा कैसी बातें कर रही हो? रात्रि के समय पंडित जी हमारे घर रुकना चाहते, तो हम मना कैसे कर सकते? और वैसे पंडित जी तुम्हारे गुरुजी, इनका आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य। अग्नि, एक काम करो, तुम पंडित जी को तुम गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं इनकी चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। जी आइए गुरुजी, आप मेरे साथ चलिए, आइए। आत्मा का प्रकोप जैसा महसूस नहीं हो रहा, पक्का बहुत शातिर आत्मा है, लेकिन आज उसकी इस घर में आखिरी रात है। जैसे बोला था एकदम वैसे मैंने वहां पे पिंजरा लगा दिया है और घर में भी सब सो गए बाबा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ बाबा, हमने अपनी शक्ति इस पिंजरे में बांध दी है, अब जैसे ही वो आत्मा इस पिंजरे के नीचे आएगी तो ये पिंजरा गिर जाएगा और वो आत्मा हमारे वश में आ जाएगा। बाबा की जय हो,
जय हो बाबा की। दर्द तो अब पहले से काफी कम है और ये चोट भी ठीक लग रहा है। मुझे अपने को वापस डराना होगा, उसे इस हद तक तोड़ना होगा कि वो अपना सच खुद अपने मुंह से कबूल कर ले। जय हो बाबा की। ओम ह्रीम क्लीम सर्व दुष्टानां वाचम् अहम्। सुनो जी, लगता है वो आत्मा इधर आ रही। बाबा तुम जाके कहीं छुप जाओ, मैं सब संभालता हूँ। जी जी बाबा। जाओ जी, जाओ जाओ। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारी आत्मा हमारे बस में आ चुकी है। डरा लिया तुमने मुझे रूही, अब ये बाबा तुम्हारी आत्मा को अपने वश में करके तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये अग्नि कौन से बाबा को ले आई? इनको कैसे बताऊं कि मैं आत्मा नहीं हूं? अगर बाबा को बताया तो अग्नि को भी पता चल जाएगा। मैं ऐसा हवन करूंगा जिससे तुम्हारी भटकती आत्मा धुआं बनकर इस संदूक में कैद हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं तुम्हारी आत्मा को धरती में गाड़ दूंगा। जहां रूही को दफनाया था वहीं उसकी आत्मा को भी दफना दूंगी। विद्वान है आप, तो सिद्ध पुरुष है आप, प्लीज किसी की भी बातों में मत आइए। आप किसी की भी बातों में आकर अनर्थ मत कीजिए। मैं निर्दोष हूँ बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे प्लीज इससे निकालिए। हर दुष्ट आत्मा अपने आप को निर्दोष कहती है। तुमने इसके और इसके परिवार वालों को परेशान किया है और परेशान कर रही हो, इसलिए अब तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। वो
सर्वा दुष्टानाम वाचम हम्बदम समकज्वा किलम। हे भगवान, ये पापा क्या करें? मैं अब यहाँ से कैसे निकलूं? ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छाय स्वाहा। देर और फिर इस रूही की आत्मा से मुझे हमेशा की छुटकारा मिल जाएगा। मुझे निकालिए यहाँ से।